गुरु पूर्णिमा पर्व पर खंडवा में दादा दरबार में ध्वज पताका अर्पित करने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने श्री दादाजी धुनीवाले के चरणों में शीश नवाने के बाद पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में विकास नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, फिर भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। यादव ने कहा, पिछले 15 सालों में सिर्फ भाजपा के नेता और कार्यकर्ता का विकास हुआ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने विकास के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए। ये शिवराज सिंह की जनाशीर्वाद यात्रा नहीं, घर वापसी की यात्रा है। मॉब लिंचिंग पर यादव ने कहा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा द्वारा भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। चुनाव के दरमियान देश और प्रदेश की जनता को बड़े बड़े वादे करते हैं और वादे करने के बाद उन वादों को पूरा करने के लिए कोई काम नहीं करते। आज हमारा ये क्षेत्र पिछले 15 सालों से चढ़ चुका है, बेरोजगारी चरम पर है। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे आपके सामने, खंडवा भी उससे बच। ये क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी जन आशीर्वाद लेने नहीं गए हैं, मुख्यमंत्री अपनी घर वापसी की यात्रा निकाल रहे हैं और ये उनकी वापसी 18 में निश्चित तौर पर होगी। ये वही मुख्यमंत्री जो हर चुनाव में प्रदेश की जनता को बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन सरकार बनने के बाद गायब। खंडवा से राहुल बोरसिया की रिपोर्ट।